दोस्तों आज हम मनाने जा रहे हैं फालूदा सेब, जिसे सेवैयाँ भी बोलते हैं। तो हम इसे बना के तैयार करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल और फिर इसमें हम डालेंगे एक कप अरारोट, जिसे कॉर्नफ्लोर भी बोलते हैं। तो हमें एक कप लेना है। आप थोड़ा बनाना चाहते हो तो आधा भी ले सकते हो। और फिर इसमें हम डालेंगे चीनी, चीनी इसमें डालनी है 3 चम्मच चीनी, 3 बड़े चम्मच, जिसे थोड़े से मीठे भी हो जाएंगे सिर्फ। अब चीनी डालकर इसमें हम डालेंगे पानी, पानी सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 कप। अब हमें 1 कप पानी डालकर इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, जैसे इसमें लम्स ना बने। उसके बाद हमें इसमें और पानी डालेंगे। इसमें हमें एक साथ पानी नहीं डालना है, अगर एक साथ डालेंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे, इसलिए हमें इसमें थोड़ा ही पानी डालना है। इसलिए हमने 1 कप पानी डाला है पहले। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, आप चम्मच से भी कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसमें एक भी लम्स नहीं है। अब इसमें हमें और पानी डालना है। अब इसमें हम पानी डालेंगे 1.5 कप। तो हमें 1 कप अरारोट में 2.5 कप पानी डालना है पूरा टोटल। तो हमने 1 कप पहले डाल लिया था और 1.5 कप अब डाल देंगे। और पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम इसका पतला पतला सा होना चाहिए, देखिए गोल। तो ये तो बनकर तैयार। अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे, यहाँ पर हमने लिया है जो बर्फ़ होती है कच्ची, वो लिए, उसमें हम डाल देंगे पानी। तो हमें एकदम ठंडा ठंडा पानी चाहिए चिल्ड, अगर हम ठंडा पानी नहीं लेंगे तो जो हम इसमें सेवैयाँ बनाएंगे वो पानी में घुल जाएंगे, इसलिए हमें इसमें ठंडा पानी ही लेना है। अब हम रखेंगे गैस पर कढ़ाई और गैस को हमें लो करना है। और इसमें हम डालेंगे जो हमने अरारोट का घोल बनाकर तैयार किया था वो, एक बार इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, जिससे अरारोट नीचे तली पर बैठा हुआ वो मिक्स हो जाएगा अच्छे से। तो इसको मिक्स करते हुए सारा डाल देंगे। अब इसको हमें चलाते जाना है और गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है। ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा सा हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, गाढ़ा होने लगा है। ऐसे ही हम चलाते जाएंगे, इसको हमें बिल्कुल छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे तली में चिपक जाएगा। तो देखिए दोस्तों, गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों देखिए, गाढ़ा तो हो गया है पर अभी ये वाइट है, इसको हमें एकदम ट्रांसपेरेंट करना है। तो इसको हमें चलाते जाना है और कुछ मिनट बाद ये हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। तो देखिए दोस्तों, ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अब हम गैस को बंद कर दें और देखिए कढ़ाई से छूटने भी लगा है। तो पककर एकदम तैयार है। गैस को हमें बंद कर देना है। अब हमने यहाँ पर लिया है जो सेब बनाते हैं वही वाला मशीन है, और इसमें हमने लगा दी है बारीक वाली जाली। अब हम जो हमने ये बनाया बैटर वो हम मशीन में भर लेंगे, और इसको हमें गरम गरम में ही बनाना है, ठंडे में ये अच्छी नहीं बनती है। तो ये भर लेंगे इसको पूरा। अब हम बनाएंगे ये सेवैयाँ, तो इसी पानी में हम निकालते आएंगे। बहुत ही जीली निकल जाती हैं। तो
तो देखिए दोस्तों हमारी सारी सेवइयाँ बनकर तैयार हैं। तो ये 3 से 4 बार में बनकर तैयार हो गई थी। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे पानी में। तो देखिए दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी सेवइयाँ एकदम अच्छी बनकर तैयार हुई हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें।